पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली, दिल्ली एम्स में लगाया टीका। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। गर्मी का कई रिकॉर्ड बनाकर विदा हुआ फरवरी, 120 साल में दूसरी बार सबसे गर्म रहा महीना। अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज। बुजुर्गों और गंभीर रोगियों को आज से लगेगा कोरोना का टीका। एक फोन नंबर के जरिए 4 लोग करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट, रास्ता हुआ साफ। बल्लभगढ़ से गुजर रहे एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 24 किलोमीटर रोड बनाने पर हरियाणा सरकार भी राजी हो गई। आज से 25 रुपये महंगा हुआ LPG सिलेंडर, दिल्ली मुंबई में 819 रुपये चुकाने होंगे। अकेले फरवरी में ही सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो चुका। CSIR के DG ने किया आगाह, कोरोना की तीसरी लहर हो सकती है ज्यादा खतरनाक। मारे ने चेतावनी दी कि देश में कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची जारी होने के बाद होगा तारीखों का ऐलान। 10 से 23 अप्रैल के बीच मतदान की तैयारी। 25 से 26 मार्च को इन चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होगी। सालाना GST रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, ये समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई। इसरो ने अंतरिक्ष में भेजी पीएम मोदी की तस्वीर और भगवद गीता। पीएम की आत्मनिर्भर पहल और निजी कंपनियों के अंतरिक्ष की राह खोलने वाले निर्णय से एकजुट दिखाने के लिए उठाया गया कदम। देश के 50 ट्रेनों में मिलने जा रही वाईफाई की सुविधा, ये सुविधा सिर्फ राजधानी शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में ही मिलेगी।